आपका क्वेश्चन है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्रीज, ठीक है, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्रीज, फाइंड बी डी सी। ठीक है, तो इसने दिया ए बी सी, ए बी एंड सी इज 69 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू 31। तो सबसे पहले तो इसने क्या निकालने का बोला, बी डी एंड सी, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, निकाल लेंगे हम, बहुत इजी है। सबसे पहले तो निकालेंगे एंगल ए, तो हमारा क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस 69 डिग्रीज प्लस 31 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल ए कितना हो गया हमारा, 180 डिग्रीज माइनस, दोनों को ऐड करो, 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 इज 100, तो 100 डिग्रीज हो गया। तो एंगल ए कितना हो गया हमारा, 80 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 80 डिग्रीज, ठीक है। अब एंगल डी हमको निकालना है, तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया है, क्या थ्योरम था, कि कितने भी एंगल अगर आप आपके एक साइड में बनाएंगे, आप यानी इस कॉल के एक साइड में आप कितने भी एंगल बनाएंगे, दैट एंगल्स आर सेम। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो हमारा थ्योरम क्या है, पहले वो लिख लो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स है ना, ये दोनों एंगल इस सेगमेंट में है पूरे, मे बी दैट मेजर, दिस इज द माइनर, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, therefore angle D is equal to 80 degrees, ठीक हो गया।